और वीडियो अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 21 सितंबर 2024, 21 सितंबर 2024। आज की हमारी वीडियो में काफ़ी कुछ वैरायटीज़ हमने लाई हुई है, ना सिर्फ रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में, कुछ ब्रिटिश के तो हैं ही, लेकिन आज नोट्स में आपको काफ़ी कुछ कलेक्शन देखने मिलने वाला है। ठीक है, कुछ स्कार श्रेणी के नोट है, कुछ वेरी स्कार है, कुछ रेयर है, कुछ फैंसी नंबर का काफ़ी अच्छे अच्छे नोट्स है, तो ये सब भी आज आपको हमारे इस वीडियो में देखने मिलने वाला है। वैसे हमारे चैनल पे आप लोगों को पता है सिर्फ कॉइन सेलिंग या नोट सेलिंग की वीडियो नहीं बनती है, काफ़ी कुछ जानकारी होती है। बहुत सारे लोग जो हमारे पास कॉइन या नोट्स बेचने आते हैं, ख़ास करके हमारा काम वैसे रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में है, ब्रिटिश में भी हम थोड़ा बहुत करते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी हमसे कॉइन्स वगैरह ख़रीदते हैं उनके पार्सल्स भी हम यहाँ से बेचते हैं। ठीक है, ऑनलाइन से जो मंगाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो रेगुलर बेस पे लोग आते रहते हैं ऑफिस पे हमारे, और कहीं ना कहीं आप वो इंटरव्यू वगैरह भी जब देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा किस टाइप से लोग कलेक्शन करते हैं और किस टाइप से लोग जो है इस इंडस्ट्री में, इस हॉबी में आगे अपना फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो नए दर्शक होते हैं हमारे, जो नए व्यूवर्स होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि इस टाइप के सिक्के बिकते भी हैं या नहीं, या नोट्स बिकती है भी या नहीं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए इनकी बहुत सारी नोट्स की या बुक्स की, सॉरी सिक्कों की भी बुक्स आती है, मेरी खुद की भी बुक है, और इनका PDF भी हम देते हैं बुक्स का। जो लोग बुक नहीं ख़रीद पाते तो एटलीस्ट वो अपने मोबाइल में PDF लेके भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एग्जीबिशंस लगते हैं, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस टाइप से लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ बिक रही है, क्या ख़रीदी जा रही है। सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन से सिक्के किस कैटेगरी के सिक्के होते हैं जिसकी वैल्यूएशन, या नोट्स किस कैटेगरी की होती है जिसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होती है। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे फ्रॉड वीडियो में आपको कॉमन सिक्कों की बहुत लाखों में कीमत बताई जाती है, लाखों के भी बिकने वाले सिक्के होते हैं, लेकिन वो सिक्के आसानी से नहीं मिलेंगे। कोई माता वैष्णो देवी का सिक्का अगर आपको 5 या 10 रुपए वाला जो आम चलन में मिलता है उसके हज़ारों या लाखों बोल रहा है तो वो झूठ बात होती है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और मिसालें दी जा सकती है। ट्रैक्टर वाली नोट की मिसाल है, ये सब फेमस है। गेंडे वाला सिक्का जो 25 पैसे का होता है, उसमें जो रेयर होता है वो लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो कोई भी कॉमन सिक्के को उठा के बता देते हैं कि इसकी कीमत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइप के कॉमन सिक्के, कॉमन उसको कहते हैं जो बहुत तादाद में छपे हुए, जो आपको आपके शायद पुराने सिक्कों में आसानी से मिल जाएंगे अगर आपके घर में रखे हुए हैं या आपके दोस्त के या किसी पहचान वाले के पास होंगे, तो वो चीज़ जब आपको मिलती है तो आपको लगता है कि हमारी बहुत सारी, मतलब यहाँ पे लॉटरी टाइप हमारा काम हो गया है, तो उसमें आप लोग कहीं ना कहीं फ्रॉड में फंस जाते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं नए दर्शक हैं उनसे कहूँगा, हमेशा याद रखिए, पहले सीखिए, आप 2-4-10 वीडियो देखिए, मेरी भी एक ही वीडियो देख के आपको फाइनल डिसीजन नहीं लेना है कि यही चैनल पे सब कुछ सही बताया जा रहा है, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे चैनल है जिसपे आपको अच्छी जानकारी देखने मिलेगी। ठीक है, लेकिन 50% से ज़्यादा लोग जो सिर्फ सेलिंग के वीडियो डालते हैं ना, उस पर आप जाइए ज़रूर उन पर चैनल पर, जानकारी ये लीजिए कि कौन से सिक्के बिक रहे हैं, किस प्राइस में बिक रहे हैं। ठीक है, लेकिन सही ऑथेंटिक अगर सोर्सेस होंगे, वहाँ से अगर आप जानकारी जुटाओगे तो बेचने में भी आसानी आपको रहेगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेंबरशिप जो हमसे जो लोग लेते हैं उनको सीखना चाहिए, उनको बुक्स वगैरह जो हम देते हैं ना, बुक्स में वही जानकारी होती है कौन से सिक्के बिक सकते हैं, कौन से नहीं बिक सकते हैं। तो वो जानकारी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, अपना कलेक्शन बनाते हैं या ख़रीदते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, कॉइन्स पे पहले हम स्टार्ट करेंगे, नोट्स वगैरह भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। ठीक है, जिसमें हम एक साथ नोट्स को सब कवर करेंगे, फ़िलहाल हम कॉइन्स की ही बात कर रहे हैं, तो कॉइन्स को पहले हम कवर कर लेते हैं। तो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में जो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो देखिए, इंदिरा गांधी जी का ये कॉइन है, ये हैदराबाद मिंट का कॉइन है, स्कार श्रेणी का, लेकिन इसके अंदर रोटेशन एरर होने की वजह से ये वेरी स्कार है, हल्का सा इसमें आपको रोटेशन एरर भी देखने मिल जाएगा। ठीक है, टॉप कंडीशन में आया हुआ है ये, एक कॉइन आपको मिल सकता है 600 रुपीज़ में, 600 रुपये में। ठीक है, जिस किसी को बुक कराना है ये कॉइन आप बुक करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पता है, 9699065064, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। इसके बाद देखिए, ये एक 1 रुपीज़ का कॉइन है 1950 का, इसमें भी आपको कहीं ना कहीं हल्का सा रोटेशन एरर आपको देखने मिल जाएगा। टॉप कंडीशन में है ये कॉइन, आपको मिल सकता है 1200 रुपये में, 1200 रुपीज़ में। ठीक है,
तो जिसको भी लेना है ये 1 रुपीज़ भी आप बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा जो वेरिस कार में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के हैदराबाद मिंट के कॉइन हैं जो UNC कंडीशन में, भी UNC कंडीशन में हमें कलेक्ट कर लेने चाहिए। तो UNC कंडीशन के 2 कॉइन आए हुए मेरे पास जो आपको मिल सकते हैं 1800 रुपये में, यानी 1 कॉइन 900 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। लस्टर के साथ है, ठीक है, थोड़ा बहुत स्पॉटेड नज़र आएगा जो मिंट की तरफ से है, हल्का फुल्का स्पॉट नज़र आएगा आपको, लेकिन ये मिंट वाला ही स्पॉट है, आम चलन में चला हुआ नहीं है, ठीक है। तो जिस किसी को लेना है 1800 में ये वेरिस कार श्रेणी के 2 कॉइन भी आप अपने कलेक्शन में UNC कंडीशन के ऐड कर सकते हैं, 1997 हैदराबाद मिंट के, ठीक है। इसके बाद देखिए जो 1 रुपीज़ का मैंने अभी बताया, ऐसे ही एक पेयर है 1950 का मुंबई मिंट के, ये 2 कॉइन एक साथ आपको मिल सकते हैं UNC कंडीशन के, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जेम कंडीशन में रेयर होते हैं। UNC और जेम में फ़र्क ये है कि समझ लीजिए जो अनसर्कुलेटेड में ही कॉइन जो बेस्ट टॉप ग्रेड का होगा वो जेम कंडीशन कहा जाता है, बाकी वो भी UNC ही होता है, ठीक है। तो ये 1950 के UNC ग्रेड के ये 2 कॉइन आपको मिल रहे हैं 2100 रुपीज़ में, 2100 रुपये में, ठीक है। 2100 में आप ये दोनों एक साथ बुक करवा सकते हैं, टॉप ग्रेड के ये 2 कॉइन है। इसके बाद देखिए 1947 1 रुपीज़ के हम बात कर रहे हैं, जो लाहौर मिंट से रेयर होता है, तो इसमें आपको लाहौर मिंट का भी देखने मिलेगा और साथ में एक मुंबई मिंट का UNC कंडीशन का आपको लगा हुआ देखने मिलेगा। है जो हम आपको देने जा रहे हैं लाहौर और मुंबई मिंट का, काफ़ी अच्छी ग्रेड का सेट आपको मिलने जा रहा है 800 रुपये में, ठीक है। जो भी कॉइन है आपको यहाँ पर मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप, कलेक्शन में आप अपने ऐड कर सकते हैं। 800 रुपये में ये दोनों मिलेंगे और ये चारों कॉइन अगर एक साथ कोई बुक कराता है तो 1500 रुपीज़ में आपको ये मिल सकते हैं। लाहौर वाले भी लस्टर वाले ही कॉइन है और मुंबई वाले कम एटलीस्ट समझ लीजिए ऑलमोस्ट UNC से UNC ग्रेड के कॉइन है, काफ़ी अच्छी ग्रेड के मुंबई विंड के भी कॉइन है जो स्कार श्रेणी के होते हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छे कलेक्शन में आप अपने ऐड कर सकते हैं। जो नए लोग हैं खास करके उनके लिए ये कलेक्शन हमारे पास आया हुआ है। इसके बाद देखिए रेयर कॉइन है, 2 कॉइन है एक साथ, 1967 मुंबई मिंट के कॉइन है। आपको पता है मुंबई मिंट से 1967 का ये जो 50 पैसा है ये कहीं ना कहीं रेयर है, ठीक है। आज के टाइम में टॉप ग्रेड में इसकी प्राइसिंग चल रही है लगभग 2000 के आसपास, ठीक है। टॉप ग्रेड का अगर होगा ये एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के 2 कॉइन है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये दोनों कॉइन आए हुए हैं मुंबई मिंट के, जो आपको मिल सकते हैं 1500 रुपये में, 1500 रुपीज़ में ये 2 कॉइन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जिस किसी को बुक कराना है ये रेयर कॉइन का सेट भी आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 5 पैसे का ये 1990 का एल्युमिनियम मैग्नीशियम में बना हुआ, ये भी टॉप ग्रेड का ही कॉइन है, ठीक है। मुंबई मिंट का UNC कंडीशन का ये कॉइन, बुक में मेरे ख्याल से 1500 रुपये इसकी प्राइस दी गई है, मगर UNC में ये भी 2500 तक कहीं ना कहीं सेल आउट होता है। तो फिलहाल हमारे पास अच्छी ग्रेड का एक कॉइन आया हुआ है जो आपको बुक प्राइस में ही मिलने जा रहा है 1500 रुपीज़, ठीक है। 1500 रुपये में ही आपको मिल जाएगा 1990 मुंबई मिंट का कॉइन 5 पैसा, ठीक है। इसके बाद देखिए खादी ग्राम उद्योग का टॉप ग्रेड का एल एरर वाला, इसको कहते हैं विलेज में डबल एल नहीं नज़र आता है, इस वजह से ये एक एरर डाई है और इसमें इसकी प्राइसिंग लगभग 2000 या 1800 से 2000 के बीच में चल रही है टॉप ग्रेड में। फ़िलहाल ये एक कॉइन है हमारे पास जो आया हुआ है टॉप ग्रेड में, जेम कंडीशन में है, जो आपको मिल सकता है 2000 रुपये में, ठीक है। ये 2200-2300 में भी सेल हुए हैं ये कॉइन, फ़िलहाल ये एक ही है जो आपको मिल सकता है 2000 रुपीज़ में, 2000 रुपये में। ऐसे ही FSS में 5 रुपीज़ में आपको दिखा रहा हूँ जो फर्स्ट वॉर वाला कॉइन है, ठीक है। इसमें ये म्यूल वैरायटी है, यहाँ पे आपको इसकी निशानी ये है, यानी कि अगर आसानी से पहचानना है तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो बैग रखे हुए ना ये समझ लीजिए यहाँ पे 4 बैग आपको आसानी से नज़र आ जाएंगे जो कॉपर निकल के कॉइन्स की डाइस के ऊपर इस्तेमाल की गई है। FSS में जो नॉर्मल वाले आते हैं उसमें 3 बैग नज़र आएंगे, वो कॉमन नहीं स्कार श्रेणी का है, वो भी टॉप ग्रेड में समझ लीजिए प्राइसिंग उसकी 450 से 450 से 450 तक जाती है, ठीक है। इसकी वैल्यूएशन टॉप ग्रेड में 3500 तक भी जाती है, एकदम अल्ट्रा जेम होगा तो। फिलहाल ये भी UNC ग्रेड का ही है, अच्छी ग्रेड का कॉइन है जो आपको सिर्फ 2500 रुपये में मिलने जा रहा है 2500 रुपीज़ में, ठीक है। म्यूल कॉइन है, जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं।
इसके बाद एक और FSS में आपको दिखाने जा रहा हूँ। यह है 1 रुपीज़ का कॉइन, 2004 का, ऑलमोस्ट UNC ग्रेड का ये कॉइन है। क्रॉस वाला, याद रखिए क्रॉस वाला रेयर होता है 2004 का, ठीक है। इसकी भी टॉप ग्रेड में 3-3.5 हज़ार रुपये प्राइजिंग चल रही है। काफ़ी अच्छी ग्रेड में ये आया हुआ है, जो सिर्फ आपको मिल सकता है 2300 रुपीज़ में, 2300 रुपये में, ठीक है। काफ़ी अच्छी ग्रेड में ये आया हुआ है, तो जिसको भी लेना है 2300 रुपये में ये 1 रुपीज़ का क्रॉस कॉइन, जिसका फ्यूचर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। जो रेयर कॉइन्स है उनका तो फ्यूचर है ही, लेकिन जो स्कार में भी हम दिखाते हैं, जो जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि 2 साल 4 साल 5 साल अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें देखने मिल सकता है। इनकी प्राइसिंग काफ़ी ऊपर जाती हुई आपको नज़र आएगी, ठीक है। ऐसे एक लॉट है जो UNC कंडीशन का लॉट है, ये 25 पैसे का लॉट है, स्कार श्रेणी का कॉइन है। बुक में प्राइसिंग इसकी 50 रुपये दी हुई है। एक कॉइन के कॉपर निकल के कॉइन है ये 25 पैसे के, 1989, ठीक है, 1989 का ये लॉट है, UNC कंडीशन, मुंबई मिंट का कॉपर निकल के ये कॉइन है। इसमें टोटल 20 पीस है, ठीक है, जिसमें से अगर 5 पीस कोई बुक कराता है तो उसको मिलेगा 350 रुपये से। पूरे 20 पीस अगर कोई बुक कराता है तो उसको मिल सकता है 1200 रुपये में। स्कार श्रेणी का एक छोटा सा लॉट कलेक्शन में आप ऐड करके रख सकते हैं, UNC ग्रेड का है, ठीक है, 1989। याद रखिए FSS में भी बने थे वो टाइम पे सिक्के, लेकिन कॉपर निकल के ये समझिए लास्ट ईयर्स में से कुछ सिक्के थे जो ये मुंबई मिंट के आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो ये रिपब्लिक के कुछ कॉइन्स हमने दिखाए। अब ब्रिटिश में आते हैं। ब्रिटिश में 3 1/4 आना के कॉइन आपको देखने मिलने वाले, जो कलेक्टेबल है कहीं ना कहीं। 1835 का एक कॉइन है, इसके बाद देखिए 1833 का भी एक कॉइन है और 1858 का भी एक कॉइन है। तो ये तीनों कॉइन 1/4 आना वाले हैं, 2 स्कार श्रेणी के, 1 कलेक्टेबल हैं, तो इन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं। तीनों एक साथ ही देने हमें। प्राइसिंग देखिए, ये वाला जो है, जो आपने अभी देखा है 1858 का ये वाला जो कॉइन है, जो आपको मिल सकता है 700 रुपीज़ में। इसके बाद इसमें डाई उल्टी नज़र आती है, एक्चुअली वैसे ही पहले डाई बनती थी, 6 o'clock का एरर नहीं है वो, ठीक है। 1833 वाला एक कॉइन, तराजू वाला जो आप देख सकते हैं, कांटे वाला इसको बोलते हैं, तोलने वाला, ठीक है, ये वाला कॉइन आपको मिल सकता है 1500 रुपीज़ में, 1/4 आना का। इसके बाद एक और देखिए, ये भी 1835 का है, 1/4 आना, ईस्ट इंडिया के टाइम का ये कॉइन्स माने जाते हैं उस पीरियड के, तो ये वाला आपको मिल सकता है 500 रुपीज़ में। तीनों एक साथ बुक कराने पे 200 रुपीज़ लेस हो जाएगा, ठीक है। तीनों एक साथ अगर आप बुक कराते हैं तो ये मिल जाएगा आपको 3000 रुपीज़ में, सॉरी 2500 में, वैसे होता है 2700 रुपया, लेकिन आपको मिल सकते हैं 2500 रुपये में ये तीनों 1/4 आना के ब्रिटिश इंडिया के कॉइन, जो कलेक्ट हम कर सकते हैं एज़ कलेक्शन पर्पज़ भी और फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। तो ये था हमारा कॉइन का जो पार्ट था, हमने कवर करने की कोशिश की जल्द से जल्द। अब जो नोट्स के पार्ट हैं इसको भी आप देखते जाइए, काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे नोट्स आए हुए हैं, कुछ समझ लिए स्कार वेरी स्कार के हैं, कुछ लॉट्स में भी हैं, कुछ रेयर भी है। सबसे पहले देखिए 1500 रुपीज़ के ये नोट्स जो डीमोनेटाइज हो चुके हैं, लेकिन कलेक्शन पर्पज़ में अगर कोई फैंसी नंबर का या एरर वाला नोट होता है तो आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं, जिनकी प्राइजिंग भी आपको कहीं ना कहीं अच्छी मिल सकती है, ठीक है। वैसे इन जनरली मेरे हिसाब से ये एक नोट, जैसे अभी इसमें 786 है, इसलिए इसकी कीमत 1100 रुपये रखी गई है। डी सुबह राव का ये नोट है 1000 रुपीज़ का। इन जनरली अगर आप इसको किसी को कलेक्शन के लिए दोगे ना, जिसमें इस टाइप का कुछ 786 ना हो, तो इसकी प्राइसिंग फिर इतनी नहीं है, मेरे ख्याल से 200-150 रुपये ऐसा कुछ मार्केट वैल्यूएशन इसकी चलती है टॉप ग्रेड में, ठीक है। और फिलहाल ये एक आपको मिल सकता है 1100 रुपये में, 786 वाला 1000 रुपीज़ का नोट देख सकते हैं आप, जो अब आम चलन में नहीं रहा। और इसके अलावा जो 500 वाले दो नोट है, इसमें भी 786 का आपको कहीं ना कहीं नंबर देखने मिलेगा, जो आपको 600-600 के हिसाब से मिलने जा रहे हैं, 600-600 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। एक 2007 का, एक 2009 का है, तो जिसको भी ये भी 786 वाले दो लेने, एक YV रेड्डी जी का है और एक है डी सुबह राव का, तो ये 600-600 में आपको 786 वाले मिल सकते हैं। और ओवरऑल ये तीनों अगर एक साथ आप बुक कराते हैं तो वैसे होता है 2300 रुपीज़, लेकिन ये आपको तीनों एक साथ मिल जाएंगे 2100 रुपये में,
2100 रुपीस में आप ये तीनों भी बुक करा सकते हैं एक साथ, ठीक है। इसमें 500 और 1000 वाला मैंने दिखा दिया आपको। डांडी मार्च वाला 500 का नोट ये देख सकते हैं आप, इसकी बुक में प्राइसिंग यूएनसी कंडीशन में समझ लीजिए 2500 तक कुछ दी हुई है। टॉप ग्रेड का है लेकिन इस पर लिखा हुआ है, और इससे थोड़ी सी वैल्यूएशन कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो फिलहाल अच्छी ग्रेड का ये आपको जो है डांडी मार्च वाला 500 रुपया मिलने जा रहा है 1800 रुपये में, 1800 रुपीज़, ठीक है। 1800 रुपीज़ में आप ये बुक करवा सकते हैं 500 डांडी मार्च वाला। इसके बाद देखिए 50 रुपये के नोट्स पे अब ध्यान देते हैं। ये देखिए 50 रुपये के नोट्स, ये स्कार श्रेणी के नोट्स हैं, ठीक है। KR पूरी देख सकते हैं आप 200 रुपीज़। फिर आप देख सकिए IG पटेल के हैं, ये देखते जाइए IG पटेल के, किसी पे प्राइसिंग 300 है, किसी पे 200 है, एज़ पर कंडीशन इस पे प्राइसिंग लिखी गई है। ये सब IG पटेल वाले ही हैं, ये सिग्नेचर मैं बता रहा हूँ, IG पटेल की सिग्नेचर वाले हैं, ठीक है। ये देखते जाइए IG पटेल सिग्नेचर है, तो ये सभी एक साथ देने हैं। ये टोटल 11 नोट है, कंडीशन के आधार पे इनकी प्राइसिंग लिखी गई है, जिसका वैल्यूएशन लगभग जाता है 2650 रुपया, ठीक है। लेकिन जो भी एक साथ ये बुक कराएगा तो उसको ये पूरा एक साथ मिल जाएगा 2350 रुपये में, ठीक है। 2350 रुपीज़ में ये 11 नोट्स का आपको पूरा IG पटेल का 50 रुपये वाले नोट का लॉट मिल सकता है। तो इसके बाद देखिए 100 रुपीज़ में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो डैम इशू होते हैं वो वाले नोट्स, ठीक है। ये डैम इशू के नोट्स इसको कहते हैं 100 रुपीज़ के। तो ये वाले जो नोट्स है अभी इसमें एस जगन्नाथन की सिग्नेचर वाले आप देख सकते हैं, ये एस जगन्नाथन है, ये भी एस जगन्नाथन है, फिर से एस जगन्नाथन, एक और एस जगन्नाथन, एक और एस जगन्नाथन जी के सिग्नेचर है। KR पुरी के सिग्नेचर भी हैं इसमें, ये देखिए KR पुरी और एम नरसिम्हम, ठीक है, और ये भी एम नरसिम्हम सिग्नेचर के हैं। तो ये अलग अलग नोट्स हैं जिनकी प्राइसिंग आप नोट्स पे लिखी भी देख सकते हैं, 400 रुपया 300 रुपया 300 रुपया वगैरह वगैरह, इसमें सारी प्राइसिंग हमने डाली हुई है। इसमें से आप एक एक भी कोई बुक करवा सकते हैं, जितने भी मैं दिखा रहा हूँ उस पर 50 रुपीज़ आपको शिपिंग लगेगा। 2500 के नीचे की बुकिंग पे 50 रुपये शिपिंग लगता है, 2500 के ऊपर की जो भी आपकी बुकिंग होती है उस पर कोई भी शिपिंग चार्ज आपका नहीं लगता है। तो इसमें से कोई एक एक भी आपको बुक कराना है तो बुक करा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप सभी एक साथ अगर ये बुक कराते हैं डैम इशू वाले 100 रुपीज़ के नोट, तो ये समझ लीजिए इस पर ओवरऑल पे आपको 500 रुपीज़ लेस करके दे दिया जाएगा। आगे पीछे दोनों तरफ से मैं कंडीशन सभी की दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी ज़रूर, लेकिन सब एक एक चीज़ दिखाना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बाद और देखिए ऐसे लॉट्स है हमारे पास जो आए हुए हैं, ये भी डैम इशू के लॉट्स हैं, और इसमें भी सिग्नेचर आपको देखिए ये IG पटेल का पूरा लॉट है। इसमें कंडीशन के हिसाब से प्राइसिंग डाली गई है, और ये प्राइसिंग बहुत ही रीज़नेबल ही है, ऐसा नहीं कि प्राइसिंग ज़्यादा है। मार्केट में जब आप इन्फॉर्मेशन निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइसिंग इसकी हमने क्या रखी है। तो ये मेरे ख्याल से 18 नोट का ये लॉट है, तो ये 18 नोट्स का पूरा लॉट है, मतलब अलग अलग नोट्स है ये जो पूरे IG पटेल के ही हैं, IG पटेल सिग्नेचर। इसमें से 2-3 की काफ़ी अच्छी कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से प्राइसिंग लिखी गई है। तो ये वैसे आपको एक साथ अगर आप कोई बुक कराता है IG पटेल के ये सारे नोट्स, तो आपको मिल सकते हैं 3500 रुपये में, 3500 रुपीज़ में सब एक साथ अगर कोई बुक कराता है। 200 से भी अगर काउंट करोगे तो 3600 होता है, ठीक है। लेकिन हम ये 3500 रुपये में आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं 100 रुपये वाले डैम इशू के नोट, ठीक है। आप बुक वगैरह में अगर हो गया आपके पास तो इसकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं आप, और ये कहीं ना कहीं इस हिसाब के रेट हैं कि आप समझ लीजिए डीलर टाइप के ही रेट्स आपको दिए जा रहे हैं। इसके बाद और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये 100 रुपीज़ का एग्रीकल्चर वाला पूरा UNC में पूरा का पूरा, ये समझ लीजिए हमारे पास आया हुआ है 32 नग है, ये 32 नग है, ये सभी के सभी एग्रीकल्चर वाले। अभी इसमें खोल के तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन काफ़ी बेस्ट कंडीशन के ये है। फ़िलहाल के लिए मैं इस टाइप से ही दिखा रहा हूँ, ये समझ लीजिए सब के सब UNC ग्रेड के ही है, ठीक है। तो ये आपको 32 नग मिलने जा रहे हैं 4600 रुपीज़ में, सी रंगा राजन वगैरह की सिग्नेचर है, सिग्नेचर हो सकता है मिक्स मिल जाए। और ये 20
32 नग यानी 32 पीस है जो आपको मिल सकता है 4600 रुपीज़ में, ये एग्रीकल्चर वाले नोट्स। ठीक है, तो जिसको भी ये लॉट बुक कराना है इसके लिए भी आप मैसेज, हाँ इसमें से अगर किसी को 5 पीस चाहिए 10 पीस चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक लॉट और आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये लॉट है 50 रुपये वाला जो पार्लियामेंट का ये लॉट कहा जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट वाले ये नोट्स है, इसमें सबके ऊपर प्राइस हमने डाली हुई 120 रुपीस, बीमल जालान के नोट्स हैं ये। ठीक है, ये 120 रुपीस के सब यूएनसी ग्रेड के हैं। ठीक है, बीमल जालान 120 रुपीस, ये सब देखिए आप, आरएन मल्होत्रा भी 120 रुपीस, सी रंगा राजन है, आरएन मल्होत्रा 80 रुपीस, तो कंडीशन के हिसाब से प्राइसिंग है। ठीक है, ओवरऑल पूरा लॉट अगर कोई बुक कराता है तो 100 रुपीस के हिसाब से ये लॉट आपको मिल सकता है, 100 रुपीस के हिसाब से। ठीक है, कितने नोट्स हैं आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, यानी कि एक साथ बुक कराएंगे तो 1100 रुपीस में ये आपको मिल जाएंगे। इसके बाद और एक पार्लियामेंट इशू वाला ही आप देख सकते, ये भी कहीं ना कहीं स्कार श्रेणी के नोट्स है, विमल जालान ये 100 रुपीज़, ये 100 रुपीज़, विमल जालान ये भी देखिए 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, तो ये 5 नोट है जो आप 500 रुपीज़ में बुक करवा सकते हैं, एकदम नॉमिनल प्राइसिंग में ये आए हुए, तो आपको भी उसी प्राइसिंग में दिए जा रहे हैं। इसके बाद कुछ रेयर नोट्स 50 रुपये में आपको देखने मिलेगी, जैसे ये इसको कहते हैं विदाउट फ्लैग वाले। ठीक है, पार्लियामेंट में ये विदाउट फ्लैग यानी यहाँ पे आपको झंडा नज़र नहीं आएगा, इससे पहले वाले जो मैंने आपको दिखाए ना उसमें फ्लैग नज़र आएगा आपको, देखिए ये फ्लैग नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाले में भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे फ्लैग नज़र आ जाएगा पार्लियामेंट वालों में, लेकिन ये विदाउट फ्लैग होने की वजह से ये स्कार से वेरी स्कार श्रेणी के होते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू सिग्नेचर। तो के आर पुरी के सिग्नेचर वाले 400 रुपीज़ में आपको ये मिल रहे हैं, देखते जाइए, और के आर पुरी का ये वाला आपको 700 रुपीज़ में मिल रहा है, और के आर पुरी का ये वाला भी आपको 700 रुपीज़ में मिल रहा है, यानी ये 4 नोट है विदाउट फ्लैग वाले। तो जैसे भी जिसको बुक कराना है एक एक भी बुक करा सकते हैं, और अगर चारों एक साथ कोई बुक कराता है तो 200 रुपीज़ लेस हो जाएगा चारों के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये वैसे होता है 1400, 1800, 2200, तो ये आपको 2200 में नहीं 2000 में ये 4 मिल सकते हैं विदाउट फ्लैग वाले। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट में यहाँ पे आप फ्लैग जो नज़र आ रहा है इस पर आपको झंडा नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी एक यूनिकनेस है इसमें, इस वजह से इसकी वैल्यूएशन ऊपर है। ऐसे ही 50 रुपये के यही पार्लियामेंट वाले जो सिग्नेचर की वजह से कहीं ना कहीं रेयर है, इसमें एक है एन नरसिम्हम का। ठीक है, एन नरसिम्हम जी के सिग्नेचर में टॉप ग्रेड में इसकी बुक में प्राइस दी गई है 3500 रुपया, 3500 रुपीज़। तो ये और एस जगन्नाथन की बुक में प्राइस दी गई है 2500 रुपये टॉप ग्रेड में। तो इसमें देखिए 000 भी है, 646 नंबर भी है, तो नंबर भी थोड़ा सा अच्छा है इसमें, और ये आपको मिलने जा रहा है 2500 रुपये में। ठीक है, एम नरसिम्हम जी का और एस जगन्नाथन जी का 1500 रुपये में ये आपको मिल सकता है। दोनों ही अगर आप एक साथ बुक कराते हैं तो इस दोनों का होता है वैसे 4000, आपको ये 3800 रुपीज़ में मिल सकते हैं, 3800 में आप ये दोनों बुक करवा सकते हैं। इसके बाद आपको जो है एक 10 रुपीज़ का मैं लॉट दिखा रहा हूँ, एक्चुअली सेट है, लॉट नहीं कहेंगे इसे, सेम नंबर का ये स्टार वाले हैं, ये देख सकते हैं आप 700653, सेम नंबर के ये 3 नोट है। ठीक है, और ये तीनों का आपको पे करना पड़ेगा अगर ये आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो 500 रुपीज़, सिर्फ 500 रुपीज़ में ये सेम नंबर के स्टार वाले नोट भी आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 500 रुपीज़ का ही एक मैं आपको लॉट दिखाने जा रहा हूँ, ये भी डांडी मार्च, डांडी यात्रा जिसको कहते हैं, वो वाले ये नोट्स थे जो आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन वगैरह। ठीक है, हर एक नोट पे प्राइस लिखी हुई है, ये 800 रुपीज़ है, ये भी 800 रुपीज़ है, ये 600 रुपीज़ है, सी रंगा राजन जी की सिग्नेचर, अलग अलग सिग्नेचर भी है इसमें। ठीक है, 600 रुपया और 600। तो ये देख सकते हैं आप, प्राइसिंग हमने काफ़ी
ऐसी रखी है कि मतलब कलेक्टेबल प्राइस है। तो ये पूरा लॉट है एक्चुअली, जो अगर अपने हिसाब से अगर आप पूरा लॉट बुक कराना चाहते हैं, 10 नोट का ये लॉट है। और इसकी प्राइसिंग वैसे एक एक की अगर काउंट करेंगे हम तो ये लगभग 6400 रुपीज़ में होती है। लेकिन अगर ये 10 अगर आप बुक कराते हैं पूरे के पूरे, तो आपको ये 10 के 10 मिल जाएंगे 6000 रुपीज़ में, यानी 600 रुपये ईच से ही ये आपको सारे के सारे मिल सकते हैं। डांडी यात्रा वाले ये नोट्स जो आज के टाइम में इस कंडीशन में भी इसको 800 से 1000 रुपये में बेचा जा रहा है। तो पूरा लॉट लॉट आया हुआ है तो थोड़ा सस्ते में आपको मिल रहा है। इसके बाद देखिए, एक आपको मैं सेट दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सेट आप देख सकते हैं, दो है मेरे पास एक्चुअली। इसमें एक कंप्लीट है, एक थोड़ा सा एक नोट मिसिंग है इसमें। इसको कहते हैं गांधी जी वाला सेट, ठीक है। इसमें हर नोट में आपको 1 रुपये वाली नोट में भी गांधी जी का फ़ोटो नज़र आएगा, 2 रुपये वाली नोट में भी गांधी जी नज़र आ जाएंगे, 5 रुपये वाले नोट में भी आपको गांधी जी नज़र आ जाएंगे, 10 रुपीज़ वाले में भी आपको गांधी जी नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए, ये सेट में भी ये तो नोट है ही, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वाली, लेकिन इसमें 100 वाली भी है, ठीक है। एल के झा की सिग्नेचर 100 वाली नोट, जो आज के टाइम में UNC ग्रेड में समझ लीजिए 4000 रुपये में बिकती है ये नोट, ठीक है, UNC ग्रेड में। और इस कंडीशन में 1500, 2000 में इसकी प्राइसिंग चल रही है, ये एक रेयर नोट है। तो ये पूरा सेट जो है आपको, ये कंप्लीट जो सेट मैंने अभी आपको दिखाया, तो ये सेट अगर आप लेना चाहेंगे गांधी जी वाला, तो ये सेट मिल जाएगा आपको 4200 रुपीज़ में, ठीक है। 4200 रुपये में ये सेट आपको पूरा कंप्लीट मिल सकता है। और साथ में जो अभी ये वाला सेट मैंने आपको दिखाया, जिसमें एक 100 वाला मिसिंग है, ये आप अगर बुक कराते हैं तो ये आपको मिल सकता है 2500 रुपीज़ में, 2500 रुपये। हो सकता है किसी के पास वो 100 वाली नोट होगी, तो उनके लिए ये 4 नोट अलग से काम आ जाएगी, ठीक है। तो सेट बना के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपके लिए। तो ये एक अच्छा सेट है जो मैंने आपको दिखाया, आप अपने कलेक्शन में इसको भी ऐड करके रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कुछ फैंसी नंबर मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो फैंसी नंबर सब अलग अलग हैं, इस पर ध्यान दीजिए। नंबर काफ़ी यूनिक होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यूएशन कुछ ना कुछ बढ़ जाती है। ये 200 वाला फैंसी, 200 रुपीज़ का ये नोट है जो फैंसी नंबर है, 4x5 और 00। तो ये अगर आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो 300 रुपीज़ में मिल सकता है। फिर देखिए, 000420, 420 वाला ये एक नोट है, और ये आपको 100 वाला नोट मिल सकता है 300 रुपये में। फिर 4x7 और फिर 86, है ना, 777786, ऐसे भी कह सकते हैं आप इसे। ये 50 वाला नोट आपको मिल रहा है सिर्फ 250 रुपये में। और देखिए, फर्स्ट और लास्ट डिजिट वाला भी यहाँ पे है, फर्स्ट और एंड वाला, ठीक है। तो इसमें 6 पहले हैं और लास्ट में 7 है, तो ये भी आपको, ये 10 वाला नोट आपको मिल सकता है 200 रुपये में। इसके बाद ये 5 रुपये वाले ट्रैक्टर वाली नोट में देखिए, काफ़ी अच्छा नंबर है, 5 बार इसमें कहीं ना कहीं 7 है, बीच में 1 बार 0 है, ठीक है। तो ये भी आपको ट्रैक्टर वाला नोट मिल जाएगा 200 रुपये में, टॉप कंडीशन में। इसके बाद देखिए, 5 बार 0 और लास्ट में 2, ठीक है, ये वाला आपको मिल सकता है 500 रुपीज़ में। ये फैंसी नंबर है। ये 111 और 000 भी आप देख सकते हैं, ये आपको मिल सकता है 300 रुपीज़ में। फिर से देखिए, 5 बार 0 लास्ट में 4 है, ये भी एक फैंसी अच्छा नंबर है जो 500 रुपये में आपको मल सकता है। और ये 333333, यानी 6 के 6 3 3 3 लिखे हुए, ये भी टॉप ग्रेड में आया हुआ है, जो आपको मिल सकता है 800 रुपीज़ में, ठीक है। वैसे 1200 तक भी ये सेल होते हैं, 1000-1200 में। इसके बाद देखिए, 10 वाला ये नोट है, इसमें भी 333333 आपको देखने मिल जाएगा। कंडीशन की वजह से इसकी प्राइसिंग हमने 500 रखी है, अदरवाइज़ ये नोट अगर टॉप कंडीशन में होता तो कम से कम मेरे हिसाब से 2000 में सेल हो रहा होता। और इसके बाद एक बार और देखिए, यहाँ पे 5 बार 0 है, लास्ट में 2 है, ठीक है, ये भी एक अच्छा फैंसी नंबर है जो आपको 200 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। और 50 रुपये में पूरे के पूरे 777 है इसमें, ये आपको मिल रहा है 1000 रुपीज़ में, जो कि 1100-1200 में इसकी भी मार्केट चल रही है। इसके बाद देखिए, 5 5 5 वाला ये पूरा सिमिलर नंबर का नोट, ये भी आपको मिलने जा रहा है 800 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये पूरे फैंसी नंबर थे जो मैंने आपको दिखाए, अलग अलग फैंसी नंबर। इसके अलावा फैंसी नंबर में आपको मैं ये दो नोट भी दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें 555786 वाला एक है और 555333 वाला एक है, ठीक है, रघुराम राजन जी के
सिग्नेचर है इसके अंदर, जो आपको ये दोनों एक साथ मिल सकते हैं 700 रुपीज़ में, 700 रुपये में। तो ये भी एक फैंसी नंबर का ही कहीं ना कहीं जोड़ी है। इसके बाद 20 रुपीज़ पार्लियामेंट के आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें ना दो इशू आते हैं, एक फ़र्स्ट इशू और एक सेकंड इशू। फर्स्ट इशू की वैल्यू ज़्यादा होती है सेकंड वाले से। तो सबसे पहले ये सेकंड इशू वाले देख रहे हैं, जिसकी अगर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रीफिक्स जो सी है, बी है, ये सब जो होते हैं सेकेंड इशू में आते हैं। जो ए प्रीफिक्स के होते हैं वो वाले कहीं ना कहीं फर्स्ट इशू में है, ठीक है। तो ये इनकी फिर भी UNC कंडीशन में बुक में प्राइस 1000 रुपये दी हुई है, और फर्स्ट इशू वाले की बुक में प्राइस 1500 या 1600 रुपये ऐसे कुछ दी हुई है। तो फ़िलहाल ये जो आप देख रहे हैं 20 रुपीज़ वाले नोट, ये देख सकते हैं पार्लियामेंट वाले नोट होते हैं, ये सेकेंड इशू के नोट है। ये वाला नोट आपको 500 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। एक और नोट दिखा रहा हूँ, ये भी 500। तीसरा नोट देखिए, ये भी 500 रुपीज़ में। ये चौथा नोट है 500, और ये पांचवा नोट है, ये आपको 200 रुपीज़ में मिलने जा रहा है, ठीक है। तो कंडीशन के हिसाब से सबकी प्राइसिंग लिखी हुई है। एक साथ अगर पूरा कोई बुक कराता है, यानी ओवरऑल ये पांचों नोट अगर कोई बुक कराता है, तो उस पर 200 रुपीज़ आपको लेस करके दे दिया जाएगा। ये है सेकेंड इशू वाले, ठीक है। अब आपको फर्स्ट इशू वाले दिखा रहा हूँ, जो वेरी स्कार होते हैं, वो स्कार है, ये वेरी स्कार श्रेणी के। और ये देखिए सबकी इस पर प्राइस हमने डाली हुई, 1000 रुपीज़ इसका है। ये वाला एक और देखिए, 1000 रुपीज़, ये भी 1000 रुपीज़ का ही है, ठीक है। ये एक्चुअली तीन नोट है, एक साथ मैं बताऊंगा आपको। ये वाला देखिए, ये 1200 रुपया है, ठीक है, ये 1200 रुपया है। तो ये तीन है, जिसमें से 1000 1000 वाले दो है, एक 1200 वाला, और ये इसमें तीन नोट है। ये भी दिखा देता हूँ आपको, ये एक है, ये दो है, और ये तीन है। और ये तीनों एक साथ आपको मिल रहे हैं 2700 रुपीज़ में, 2700 रुपये में, ठीक है। ये तीनों एक साथ मिलेंगे आपको 2700 रुपये में। तो ये भी फर्स्ट इशू के वेरी स्कार श्रेणी के नोट्स, जिस किसी को कलेक्शन में ऐड करने हैं आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा कलेक्शन। काफ़ी कुछ था जो एक साथ मैंने दिखाने की कोशिश की है। कुछ कलेक्शन में नोट्स भी है, कुछ इसमें हमारे कलेक्शन में आए हुए सिक्के भी थे, और कुछ अलग अलग कैटेगरी के, जैसे ब्रिटिश वाले भी हमने दिखाए, पार्लियामेंट वाले नोट्स वगैरह आप देखें, विदाउट फ्लैग वाले फैंसी नंबर के नोट्स वगैरह। यानी एक मल्टीपल थीम का नॉलेज आपकी आज की वीडियो से आपको मिल गया होगा, ठीक है। स्टार वाले नोट्स भी आपको देखने मिले हैं, एक सेट मैंने दिखाया आपको। तो ऐसे ही और भी हमारी कुछ वीडियो आने वाली है, जिसमें हमारे मल्टीपल थीम पे कुछ ना कुछ आपको आने वाले टाइम में हमारे पास सेलिंग के लिए आपको मिल जाएगा। अब कुछ बातें और बतानी थी जो हमारे फ्रेंचाइज होल्डर हैं उनके लिए, जो भी लोग हमारे फ्रेंचाइज पे जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उनसे मैं थोड़ा सा कहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है, देखिए जो भी फ्रेंचाइज जिन्होंने ली है हमसे, वो सभी के सभी एकदम ज़्यादा नॉलेजेबल लोग भी नहीं हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने फ्रेंचाइज ले ली इसका मतलब वो एक्सपर्ट हैं इसलिए फ्रेंचाइज ली, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपकी तरह ही नॉर्मल लोग हैं ज़्यादातर, लेकिन उन्होंने हमसे जुड़ के फ्रेंचाइज ली है इसलिए नहीं कि वो मतलब एक्सपर्ट है, बल्कि इसलिए वो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। वो अपना करियर बनाना चाहते हैं और लोगों से अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ली है। तो बहुत सारे लोग जो रीसेलर टाइप के होते हैं वो भी उन्हें अप्रोच कर रहे हैं। रीसेलर यानी कि जिनको ऑलरेडी फील्ड में काफ़ी नॉलेज है, जो ऑलरेडी मार्केट में डीलर से कॉइन लेके सेल करते हैं आगे, ठीक है। तो वो लोग ऐसे हमारे फ्रेंचाइज वालों को अलग अलग कॉइन्स की फ़ोटो वगैरह भेज रहे हैं, जो रेयर से एक्सट्रीमली रेयर भी हैं, ठीक है। और फ़ोटो भेजने के बाद वो हमारी प्राइसिंग पूछते हैं, फिर डीलिंग वगैरह होती नहीं है, और उसके बाद हमारे जो फ्रेंचाइज वाले उनको कहीं ना कहीं शायद लग रहा है कि हमारी प्राइसिंग कम है, इस वजह से कहीं ना कहीं वो सामने वाला हमें दे नहीं रहा है। तो भाई बात ऐसी बिल्कुल नहीं है। हमारी प्राइसिंग आप जब जाएंगे एग्जीबिशन वगैरह में, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी प्राइसिंग क्या है बाइंग की, ठीक है। बाइंग की प्राइसिंग कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ख़ास करके रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स। तो रिपब्लिक इंडिया में कॉइन्स अगर आपको बेचने हैं, तो हमारी फ्रेंचाइज ऑल ओवर इंडिया में अभी चल रही है। ये फ्रेंचाइज ख़ास करके उनके लिए बनाई गई है, जो नए लोग अपने सिक्के कोई भी भाव में जाके कहीं भी बेच के आ जाते हैं, ख़ास करके
एग्ज़िबिशन में कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा होता है, तो बाद में वो बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया। ठीक है, अब वो धोखा, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं एग्ज़िबिशन वाले धोखा कर रहे, ये बात गलत होगी। वहाँ पे अच्छे सिक्के अगर नॉलेज के साथ आप ले जाओगे तो वो अच्छी प्राइस में बिकेंगे, लेकिन अगर एक साथ उठा के लेके जाओगे तो हो सकता है आपके दुर्लभ सिक्कों को भी वो देखने के बावजूद ये कहें कि भाई ये तो 10 रुपया 20 रुपया पीस से बिकने वाला आइटम है, और आप उसमें बेच के चले आओ। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कमी है, जो आपको, जो नए लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, या पुराने भी ऐसे मैंने देखे, 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल से सिर्फ उन्होंने कलेक्शन जमा किया है, पुराना क्वाइंस उठाया है मार्केट से ये सोच के कि ये कहीं ना कहीं अच्छे प्राइस में बिकेगा। तो जमा करना और चीज़ है और नॉलेज के साथ जमा करना और चीज़ है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं सिर्फ जिन्होंने जमा ही किया है, नॉलेज नहीं ली है, अच्छे से सजा के भी रखा है, क्वाइन कैप्सूल में भी सजाया हुआ है, एल्बम्स में भी लगा दिया है, लेकिन वो सिक्के ज़्यादातर उनके कॉमन है, कैटेगरी वाइज उनके सिक्के कॉमन श्रेणी में आते हैं। कॉमन यानी कि वो बहुत तादाद में छपे हुए हैं। ठीक है, तो वो आसानी से मार्केट में मिलेंगे, तो वो कॉमन है। लेकिन जो दुर्लभ सिक्का होता है ना, उसको निकालने के लिए ही आपको हज़ारों लाखों सिक्के ढूंढने पड़ते, उसके बाद एक दुर्लभ सिक्का मिलता है, और किसी किस्मत अगर बहुत अच्छी हो तो उसको एक साथ कभी कभी दुर्लभ सिक्कों का लॉट भी मिल जाता है, 5 सिक्के 10 सिक्के मिल जाते हैं, या कोई ऐसा एक दुर्लभ सिक्का मिल जाता है जिसकी कीमत ही सीधा सीधा लाखों में चली जाती है। तो वो बहुत रेयर केस होता है, लेकिन जो जनरली बहुत सारे सिक्के जमा करके रखे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे सिक्कों की सही वैल्यूएशन हमें पता चले, तो आप हमारे ऑर्बिट के फ्रेंचाइज़ पे जा सकते हैं। महाराष्ट्र में भी है, अलग अलग जगह पे हमारी फ्रेंचाइज़, आप जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, इसके अलावा पंजाब में है, और आसाम में है। ठीक है, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको गुजरात साइड और साउथ साइड, हैदराबाद वगैरह साइड में भी हमारी फ्रेंचाइज़ आपको नज़र आने वाली है, और हो सकता है बहुत जल्द एक दो जगह और महाराष्ट्र में भी हमारी फ्रेंचाइज़ खुल जाएगी। तो फ्रेंचाइज़ जिसको हमने दी है, वो हमारे जितने भी लोग हैं वो बहुत एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसा भी नहीं है कि आपने बस एक दुर्लभ सिक्के का फ़ोटो भेज दिया, उन्होंने देख लिया और वो बिक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रोसेस होता है, उनको कभी किसी चीज़ का नहीं भी पता होता है तो वो मेरे रिप्लाई के इंतज़ार में रहते हैं। ठीक है, तो वो रिप्लाई जब तक नहीं आता है, फिर से आप अप्रोच करके उनसे बात कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग ऑफिस पे किसी के भी जाएंगे, हमारे ऑर्बिट के जो फ्रेंचाइज होल्डर हैं उनके ऑफिस पे, तो ये उम्मीद मत लेके जाना कि मेरे जो सिक्के बहुत सारे जमा है वो सब के सब बिक जाएंगे। जो हाई डिमांडिंग कॉइन्स होंगे, जिसका चार्ट्स वगैरह मैंने कहा है, हमने बनाया है, खास करके रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स का, ये देख सकते हैं आप, जो हमने, जैसे मेरे ऑफिस पे ये लगा हुआ है, हर किसी के ऑफिस पे आपको वो चार्ट देखने मिलेगा, जिससे आपको फ़ायदा ये है कि आपके सिक्के की जो कीमत है वो कहीं ना कहीं अच्छी आपको मिलेगी, चार्ट से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर मान लो इन सिक्कों में से ही बता रहा हूँ, जैसे ये 1 रुपीज़ का जो क्रॉस कॉइन है, ठीक है, अगर ये आपके पास टॉप ग्रेड में है, UNC कंडीशन में, तो आप जब लेके जाएंगे तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि ये आपको 500 रुपया मिलेगा, 700 रुपया मिलेगा। अगर आपको ऐसा कोई बोलता है तो आप उसको चार्ट पे देख सकते हैं, चार्ट पे क्या प्राइस UNC की लिखी हुई है। अभी एक अंदाज़ा दे रहा हूँ मैं, प्राइस ओपन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप हमारे फ्रेंचाइज़ पे जाएंगे तो इसकी UNC में आपको 2000 से 3000 के बीच की प्राइस आपको देखने मिलेगी। ठीक है, 2000 रुपये से 3000 रुपये के बीच में, तो वो जो प्राइस है उस प्राइस में जब आप सेल करोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी गलत नहीं लगेगा, और कहीं ना कहीं हमारे भी जो फ्रेंचाइज़ वाले हैं वो इस प्राइस पे आपसे ख़रीदेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन भी मैच होनी चाहिए, हर सिक्का हर कंडीशन में नहीं लिया जाता है। UNC में किसी की डिमांड है तो उसको हम UNC में लेंगे, कोई एक्स्ट्रा फाइन या वेरी फाइन में भी आपसे हम हो सकता है ले लें, जो काफ़ी अच्छे डिमांड वाले कॉइन होते हैं। जैसे अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का सिक्का 2 रुपये वाला 1996 का, आप वेरी फाइन कंडीशन में भी लेके जाओगे तो कुछ ना कुछ उसका पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे जो सिक्के हैं जो अच्छे रेयर हो चुके हैं, जिनकी UNC ग्रेड में कीमत 15-20 हज़ार के ऊपर जा चुकी है, वो वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन में भी इजीली बिक जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मैसेज भी, जो नए लोग हैं इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो अपना कलेक्शन बना रहे हैं, वो भी सोच समझ के कीजिए, सीख के कीजिए, गाइडलाइन लेके कीजिए, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप सही से सीख जाएंगे 1-2 साल में, तो आने वाले 4-5 साल में आप काफ़ी अच्छा इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए, बाय।